मैं तो विंडोज यूजर हूँ, क्या मैं विंडोज को अनइंस्टॉल करके लिनक्स पर अगर मैं शिफ्ट होऊंगा तब क्या मुझे सेम फीलिंग्स मिलेगा? विंडोज में जो जो सॉफ्टवेयर मेरे लिए अवेलेबल था, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे एक वीडियो रिकॉर्डर चाहिए, एक स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए, तो विंडोज में जो 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 सॉफ्टवेयर इतना अच्छा ऑप्टिमाइज था, इतना अच्छा काम करता था, तो वो क्या मुझे लिनक्स पर मिलेगा? मैं क्या लिनक्स पर शिफ्ट हो सकता हूँ विंडोज से? तो मुझे क्या सब कुछ सही सही विंडोज की तरह ही मिलेगा? तो हाँ गाइस, माय नेम इज आकाशदीप महापात्र और आज मैं इसी बात का क्लैरिफिकेशन आपका देने वाला हूँ कि अगर आप विंडोज से लिनक्स पर आओगे तो सब कुछ सेम रहेगा। और मैं एज अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ नहीं मतलब सचमुच का बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, ओके, और मैं अपना प्राइमरी डिवाइस एज अ काली लिनक्स ही यूज करता हूँ। हाँ, मैं पहले विंडोज यूजर था और लैपटॉप विंडोज के ये विंडोज 10 के साथ ही आया था, तो मैं उसको अनइंस्टॉल करके लिनक्स इंस्टॉल किया। कैसे किया ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर दिखा रहा होगा, ओके। तो मैं कैसे लिनक्स पर आ गया और मैं अभी लिनक्स को 2-3 साल से यूज कर रहा था, तो मेरा जो ऑनर रिव्यू है मुझे इस विंडोज को कैसे लगा 2-3 साल से यूज करने के बाद और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फील हुई, तो वो सब मैं इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप विंडोज से लिनक्स पर आने से पहले अपना डिसीजन ठीक तरह से लो, ओके। मैं आपको डरा नहीं रहा यार, मैं लिनक्स प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज करता हूँ, मतलब प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज करता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, इसीलिए मैं ये यहाँ पर आ रहा हूँ, ओके। तो देखो, मेरा लिनक्स है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है और मैंने जब लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताया था और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि मेरे पास एक सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर है और उस वाले वीडियो पर और मैं कैसे वीडियो एडिट करता हूँ इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मैं क्या बताया था कि मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूँ उसका नाम है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर, वही स्क्रीन रिकॉर्डर का असली नाम है, ओके, अब समझ रहे हो? तो सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर मतलब साधारण स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, उसका नाम ही है सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि अरे आप तुम जो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है, ओके, तो उसका नाम सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर ही है, ओके। तो देखो, मैं आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मैं उस वीडियो में आपको वीडियो लाइव एडिट करके भी दिखाया था और वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आप देख भी सकते हो, ओके। तो अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर आप ऑडासिटी की मदद से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके। और मैं जो अगर मेरा मोबाइल में कोई फाइल है और मैं उसको कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ तुरंत, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया हूँ लिनक्स में, ओके। तो मुझे जब भी कोई फाइल तुरंत यहाँ से उधर भेजना होता है तो मैं टेलीग्राम का यूज़ कर लेता हूँ, फटाक से आ जाता है और टेलीग्राम में इमेज और वीडियो कंप्रेस भी नहीं होता, ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए के टच यूज़ करता हूँ, जिसका एक वीडियो मैंने बनाया था, ओके। तो आप अगर टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, मेरी तरह स्टूडेंट हो तो उसका भी ऑप्शन है, ओके। यहाँ पर एक कंप्रेसर मिल जाता है, अगर आप वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हो आपका बनाया हुआ वीडियो, तो आप यहाँ पर कंप्रेस भी कर सकते हो, जिसका नाम है हार्ट ब्रेक। आपको पता ही होगा अगर आप यूट्यूबर हो तो हार्ट ब्रेक तो 90% आदमी यही यूज करता है। और मेरा यहाँ पर फ्री कैट का एक सॉफ्टवेयर भी है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला एक सॉफ्टवेयर भी है, ओके। तो मुझे 90% केस में कुछ भी कमी नहीं लगता लिनक्स पर, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप फ्री कैट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, इसलिए इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था कि आप विंडोज में मतलब लिनक्स पे विंडोज की तरह एक स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो, ये स्टोर है, यहाँ पर मेरा मतलब मेजॉरिटी सारा सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, ओके। और यहाँ पर देखो, मेरा मोजिला फायरफॉक्स पहले से मिलता है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का डेवलपर वर्सन यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो, कोई भी ब्राउजर ऑटोमेटिकली मतलब विंडोज में जो गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली रन हो जाता था, बैकग्राउंड में रन होता था, सोर्स लेता था रैम का, वो यहाँ पर नहीं ले सकता। आप कहाँ भी जाना चाहो आपका पासवर्ड मांगेगा। लिनक्स इतना सिक्योर है, आपके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पर अपना लॉक स्क्रीन, जिसको विंडोज में हेलो की ऐसा कुछ बोलते हैं, यहाँ पर मैं ब्रेव ब्राउजर भी रखता हूँ,
और मेरा यहाँ पर स्पॉटिफाई भी है, गाना कभी कभी सुन लेता हूँ। और कुल मिलाकर मुझे ये विंडोज में लिनिक्स मेरा जीनोम वर्सन है। आप केडी वर्सन मतलब केडी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में हो सकते हो, वो क्या है कुछ कुछ यूट्यूबर का ऐसा आपको नीचे नहीं मिलेगा। ओके, ये करने से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करने पर ऐसा मिलेगा। ओके, इस तरह से भी मतलब अगर आप जब लिनिक्स इंस्टॉल करोगे तब वहाँ पर एक ऑप्शन चाहता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वहाँ पर केडी पर बाय डिफॉल्ट टिक होता है, पर मैं उसको अनटिक करके जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पर टिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद लिनिक्स इंस्टॉल हो जाता है और मेरा ए वाला वर्सन पसंद है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशल डिजाइंड है। ये देखो मेरा दो विंडोज, अगर यहाँ पर भरा होगा तो यहाँ पर और एक आ जाएगा, और मैं यहाँ से कुछ प्रोग्राम लेकर यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, जहाँ भी मेरा इच्छा है मैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर टर्मिनल भी बहुत, आप ये विंडोज भी कर सकते हो पर लिनिक्स पर बहुत ही कूल सा दिखता है ये। आप टर्मिनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो लिनिक्स में, इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया था, आई बटन पर देख लेना। ओके, तो लिनिक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा और क्विक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देता है, विंडोज से तो बहुत ही अच्छा देता है। और विंडोज में क्या कि आपका एक स्पेसिफिकेशन तगड़ा वाला कंप्यूटर होना चाहिए कि आपका, अब विंडोज 11 कहाँ एकदम 100% फटाक सी तरह से यूज कर सकते हो, जब आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा होगा, आपका ग्राफिक्स बहुत अच्छा होगा, तब अब विंडोज का असली मजा ले सकते हो। पर लिनिक्स पर ऐसा रूल नहीं लगता, आप जितना भी पुराना कंप्यूटर होगा लिनिक्स उतना अच्छा चलेगा, यही लिनिक्स का रूल है। ओके, क्योंकि लिनिक्स बहुत ही लाइट वेट सिस्टम है। ओके, तो इसलिए लिनिक्स तो मेरे कंप्यूटर में बहुत अच्छा चलता है, विंडोज से भी ज्यादा मतलब क्विक रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो और बैकग्राउंड में कुछ भी रन नहीं होने देता, तो मुझे कमांड करके उसको परमिशन देना होता है या पासवर्ड देकर परमिशन देना होता है, अभी आपने देख लिया था। और हाँ, एक चीज़ देखो, मेरा वो लिनिक्स पे यहाँ पर देखो, ये तो नॉर्मल लिनिक्स का फाइल है, अगर मैं अदर लोकेशन पर जाके मेरा हार्ड डिस्क पर मतलब जो अदर लोकल डिस्क कहते हैं विंडोज की भाषा में, वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तब देखे पासवर्ड चाहेगा, मतलब मेरा मेन जो विंडोज जहाँ मतलब लिनिक्स जहाँ पर रन हो रहा है उसको छोड़कर और जितना भी ड्राइव है वो बाय डिफॉल्ट लॉक होता है, आपका यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक हो जाता है, तो क्या होगा आपका पूरा इंक्रिप्ट होता रहेगा, पर आपका जो अदर लोकल डिस्क है वो इंक्रिप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, तो इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, सिक्योरिटी के पर्पज से भी मिल जाता है। आप इस अपने कंप्यूटर को किसी के हाथ में छोड़कर बाहर चले गए तो वो अगर आपका लोकल डिस्क देखने जाएगा तो वहाँ पर घंटा लॉक मिलेगा। ओके, तो इन सारी बात को सोचकर लिनिक्स तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम लिनिक्स को एज अ सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, मतलब अगर आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ और लिनिक्स साइड बाय साइड रखना चाहते हो, जब आपका लैपटॉप स्टार्ट होगा तब पूछेगा कि आप विंडोज़ में इंटर करोगे या लिनिक्स पर इंटर करना चाहते हो, तो ऐसा भी डुअल बूट, उसको डुअल बूट कहते हैं, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, तो डुअल बूट की तरह भी यूज़ कर सकते हो लिनिक्स को, या तो मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ को कम्प्लीटली SSD से रिमूव कर दिया और एज अ प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं लिनिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हो और आप सोच रहे हो कि आपका विंडोज़ का लाइसेंस रिमूव हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, अगर मैं विंडोज़ को डिलीट करके लिनिक्स को इंस्टॉल करूँगा, तो ये पूरा पूरी गलत है। मैं कुछ दिनों पहले एक बार विंडोज़ को इंस्टॉल करके चेक कर रहा था। ओके, तब मैंने देखा मेरा लिनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। मैं क्या किया, लिनिक्स जो पूरा स्पेस लिया था उसका स्पेस थोड़ा कम कर दिया और यहाँ पर एक फ्री स्पेस अवेलेबल हो गया और इस फ्री स्पेस में मैं विंडोज़ को इंस्टॉल कर दिया। तो तब मैंने चेक किया कि जब मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी के साथ लॉगिन किया, तब मुझे पता चला कि हाँ सब कुछ सही है, मेरा विंडोज़ एक्सपायर भी नहीं हुआ है, वो एक्टिव हो गया है, लाइसेंस भी सही है, तो फिर से मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो मैं से वो चेक करने के लिए इंस्टॉल किया था। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, आपका लाइसेंस रहेगा, आप जब भी फिर से विंडोज़ पर जाना चाहते हो एकदम ओरिजिनल एक्टिवेटेड विंडोज़ आपको मिल जाएगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का ये अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो लिनिक्स आपके लिए बेस्ट है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप लिनिक्स पर आराम से आ जा सकते हो। ओके, पर अगर आप मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल का तो मुझे पता नहीं, अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको एक जगह पर प्रॉब्लम होगा, लिनिक्स पर ऑटोकैड और फ्यूजन 360 का सपोर्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है।
अगर आप विंडोज के अंदर, जैसे कि विंडोज में क्या होता था, आप वर्चुअल बॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे, विंडोज के अंदर लिनक्स चला सकते थे, पर आप उसी तरह लिनक्स पर भी विंडोज की तरह एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, उसके अंदर आप इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर ऑटोकैड इंस्टॉल कर लो। उसके लिए आपका कंप्यूटर का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। ओके, और एक रास्ता है, आप लिनक्स पर ऑटोकैड कैसे चलाओगे, विंग नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो तब आप विंडोज का जितना भी सॉफ्टवेयर है वो लिनक्स पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए भी आपका कंप्यूटर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तगड़ा होना जरूरी है। ओके, और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप, मैं कुछ दिनों पहले जैसे करता था, विंडोज भी साइड में था और लिनक्स भी साइड में था, तो आप जब कॉलेज में होगे आपका ऑटोकैड चलाने का मन करेगा तब आप विंडोज में एंटर कर जाना, और जब आप लिनक्स पे चलाने की कोशिश करोगे तब आप लिनक्स में एंटर कर जाना। मेरे घर में भाई का जो, मतलब घर का जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वहाँ पर ऐसे ड्यूअल बूट है। ओके, मेरा भाई जब ऐसे ऑटोकैड सीख रहा है तो ऑटोकैड जब वो सीखता है तो विंडोज में सिर्फ उस ऑटोकैड को चलाने के लिए विंडोज में एंटर करता है। हार्ड डिस्क था 250 GB का, मेरा हार्ड डिस्क नहीं SSD है, और उसमें 100 GB मैंने विंडोज को दिया है और 150 GB मैंने लिनक्स को दे दिया है, क्योंकि लिनक्स मेरा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज को प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो और लिनक्स सिर्फ मजे के लिए साइड में रखना चाहते हो तो आप जब ड्यूअल बूट करोगे तो विंडोज को 150 GB दे देना और लिनक्स के लिए बाकी 100 GB दे देना। ओके, तो आप जैसे, पूरा पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे वो आप ही जानो। ओके, तो मैंने बता दिया प्रोज क्या था, कि लिनक्स बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है और नॉर्मल यूसेज में क्या, सभी यूसेज में, सिर्फ ऑटोकैड को छोड़कर सभी चीज में लिनक्स को मैं 10/10 दूंगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पर काम करता है और कोई भी भंगार से भंगार लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी चल जाता है। पर सिर्फ एक ही कॉन्स है कि यहाँ पर मैकेनिकल, मतलब ऑटोडेस्क का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता। सीधी बात में ऑटोडेस्क मतलब आप फोटोशॉप यूज नहीं कर सकते और ऑटोकैड यूज नहीं कर सकते। फोटोशॉप की जरूरत ही क्या है, मैं यहाँ पर गिम्प यूज करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा गिम्प कहाँ, GIMP, ये देखो मेरा गिम्प मिल गया। और एक गिम्प क्या ऑटोकैड से कम है क्या? ओके, आपको नहीं पता, गिम्प ऑटोकैड को बोल रहा हूँ, फोटोशॉप से कम है क्या? एकदम फोटोशॉप की तरह तगड़ा सॉफ्टवेयर है, सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, और ये तो फ्री है, फोटोशॉप तो पैसा लेता है, ये तो पूरा फ्री है, ओपन सोर्स है। तो आप लिनक्स पर आना चाहते हो तो एक बार सोच कर आना, तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप सुपर फास्ट हो जाएगा अगर आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे। और अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर ही हो तो मैं कहूँगा कि आप लिनक्स पर मत आओ, तो क्योंकि आप अगर मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हो तो आपको हर्दिंग, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, फ्यूजन 360 इन सब में काम करना होगा, तो लिनक्स पर मत ही आओ। पर अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ज़रूर आओ। ओके, कोई बात ही नहीं, ज़रूर आ जाओ भाई। ओके, तो यही प्रोज और कॉन्स था। ओके, तो फिर से मिलते हैं और एक दूसरा नया वीडियो लेकर, आज के लिए बाय बाय।